तो ये आपके पास पोटेंशियल का टॉपिक आएगा, इसका आंसर क्या होगा? पोटेंशियल निकालना है आपने, ज़ीरो होगा। हाँ ज़ीरो होगा। दो तरीके हैं, पहला तरीका क्योंकि ये कौन सी लाइन है, इक्वेटोरियल है, तो वैसे ही आंसर ज़ीरो है, भी निकाले। अगर चलो नहीं भी याद रहता कोई बात नहीं, ये डिस्टेंस कितना है? पाँच। ये कितना है? पाँच। तो ये चार्ज यहाँ वी क्या लगाएगा? 1/4πε₀-20×10⁻⁶/5×10⁻²। और ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज है 20 वाला, वो कितना वी लगाएगा? वो इतना वी लगाएगा, और नेट आंसर क्या आएगा? ज़ीरो। तो वैसे ही इक्वेटोरियल पे ज़ीरो आएगा वी। तो ये स्टेप सबको क्लियर है, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप प्लीज़ खुद करेंगे इस क्वेश्चन को, कि सपोज़ करो ये आपके सामने कोई डायग्राम है, कॉपी में करें। आपको क्वेश्चन समझ लो, क्यू 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 चार्ज गिवन है, क्यू 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 चार्ज गिवन है, तो आपने माइनस क्यू चार्ज को, ध्यान से, माइनस क्यू चार्ज को सी से कहाँ पे लेके जाना है? एट इन्फिनिटी। तो आपको वर्क डन बताना है क्या होगा इसमें, जब आप चार्ज को सी से इन्फिनिटी पे, आपने ये तो याद कर रखा है, इन्फिनिटी से सी पे क्या करना है? अब इस बार उल्टा हो गया, इस बार सी से इन्फिनिटी पे चार्ज को लेके जाना है, तो वर्क डन क्या होगा सोचो। देखो इसमें आपको क्या करना है, पॉइंट को समझो, आपको चार्ज कहाँ से कहाँ लेके जाना है, आपको चार्ज सी से इन्फिनिटी पे लेके जाना है, ठीक है? तो रूल क्या है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कितने चार्ज को लेके जाना है? माइनस क्यू को लेके जाना है, राइट? तो वर्क डन अपॉन चार्ज को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल का डिफरेंस। अब आप कहेंगे सर ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन कैसे यूज़ करें? पोटेंशियल डिफरेंस कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे आप इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तब भी आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में ये बताएं कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी से इन्फिनिटी, तो ये कौन सी स्टेट है इसकी? फाइनल। और ये क्या थी इसकी? इनिशियल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? वी एट इन्फिनिटी माइनस वी एट सी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये स्टेप क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? वर्क डन अपॉन माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं, इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस में सी से इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी क्या हुआ? फाइनल। और सी क्या हुआ? इनिशियल। तो वी इन्फिनिटी माइनस वी सी, कोई डाउट इसमें? क्लियर है। अब वी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε₀Q/R। अगर आर इन्फिनिटी हो जाए तो Q by infinity क्या हो जाएगा? जीरो। तो पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या होता है? जीरो। क्लियर है? तो ये टर्म तो क्या हो गई? सीधी
जीरो, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू इंटू माइनस वी सी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्यू इंटू वी सी। तो अगर मैं आपको पोटेंशियल बता दूं सी पॉइंट पे क्या है, तो यहां पुट करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड। तो सी का पोटेंशियल, सी पे पोटेंशियल लगाएगा कौन, सी पे पोटेंशियल लगाएगा क्यू 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 एंड क्यू। तो ये वाला क्यू सी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल लगाएगा, 1/4πε0Q/a/√2। और ऐसे कितने चार्जेस है, कुल मिला के चार, और v तो स्केलर, v तो वेक्टर है ही नहीं, जो स्केलर है तो सीधा चार बार ऐड कर दें, तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया C पॉइंट का। तो इस पोटेंशियल को यहां पुट करके वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं। बन तो गया, पर कल रूल लगाया कैसे समझ में आ रहा है, दो पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लो ना। अगर आप सीधा शॉर्टकट याद करोगे तो हो सकता है किसी पॉइंट पर ना चले, वो आपको फिर मान लो सी से कहीं डी पे ले जाता, तो वो तो चांस की बात है कि वी एट इन्फिनिटी जीरो हो गया ना, होता तो कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा ना। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ये जो मैंने किया समझ में आ रहा है यहां तक सबको। मैंने अपनी बुकलेट में कैसे किया कि मैंने ये लिखा अपनी किताब में, ध्यान से देखो कि वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज माइनस क्यू का फॉर्मूला वी सी माइनस इंफिनिटी, मैंने उल्टा कर दिया, पर लेकिन ये भी याद रहे मैंने लिखा कि इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सी, जबकि हमें क्या गिवन है सी टू, तो मेरे को ये वाली चीजों को क्या करना चाहिए चेंज, सही है ना। पर मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया इंफिनिटी टू सी का वर्क डन निकाल दिया, ये निकाल दिया, पर मेरे को वर्क डन सी से इंफिनिटी गिवन है, तो इसको मैंने नेगेटिव की जगह, पर वो तो एक ही बात है, मैंने यही पॉजिटिव कर दिया था घुमा के, ये ज्यादा बेटर नहीं है। तो इस सॉल्यूशन की जगह वो ज्यादा बेटर है कि यहां पर लिख लेंगे वी इंफिनिटी और यहां पर लिख लेंगे वी सी। कोई डाउट इसमें, तो ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है ये? यस सर, यस सर, ठीक। तो आज के